So hello you guys, welcome to day 4 of scaling my dropshipping business from 0 to 10 lakh. So you might be wondering ki pichle episode mein there was a lot of chaos of suspension, Facebook ad account restriction was going on. So what I am going to do in day 4 to compensate all of the shits that happened. So what I actually did when my Shopify store was suspended, I just quickly made a new Shopify store for myself, and creating a Shopify store did took a little time, but I've been creating Shopify store for long time, so it was not very time consuming for me. And after that I created some product pages. It took me around 1.5 hours. The advantage was that I already have all the creatives downloaded in my PC. By that it was very less time consuming because I don't have to research all the ad creatives again and again. Abhi hum kya karenge, jo hamara jo testing wala jo period tha, we are going to continue with that. Yahi होता है गाइज रियल चैलेंज में ना, इसी वजह से आई एम ट्राइंग टू शो एवरीथिंग वेरी रियलिस्टिक टू यू, क्योंकि आप भी ये सब प्रॉब्लम फेस कर सकते हो. इज नॉट वेरी न्यू कि बहुत स्मूथ होता है, और जितना भी आप देखते हो चैलेंजेस में कि हाँ एक दिन में पैसे डबल, दैट्स नॉट द ट्रुथ. काफी सारा मेस हो सकता है वाइल यू आर स्केलिंग, सो दिस इज वेरी कॉमन. यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ऑल द थिंग्स हैव बीन फिक्स्ड बाय नाउ. सो अभी हमने जो कल रात में जितनी भी हमने डे 3 में आपने देखा होगा, जो भी मैंने दोबारा से अपने नए एड कैंपेन्स चलाए थे, सो अभी हम उनको चलने देंगे. गुड मॉर्निंग. सो अभी बज रहे हैं 11 एंड आई एम गोइंग टू शो यू द रिजल्ट्स जो कि कल रात में हमने जो एड्स लगाए थे, वेदर दे हैव फेल्ड, हाउ दे हैव परफॉर्म्ड, एंड क्या चीज़ हम करेंगे आगे अगर कॉस्ट पर परचेज ज़्यादा आया, जो कि आया है. आई विल टेक यू टू माई स्क्रीन एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. So let's get into my screen. So as you can see, I have run ads for the Nabhi oil, Adivasi pain relief oil, shampoo Bioderm, and Adivasi hair oil. So you can see this was the conversion on day 1. Like the CPP is coming quite really high. हम लोग ने जो budget रखा था that was for 1000 rupees, and you can see काफी सारी spending हो चुकी है testing के हिसाब से. 291 rupees आ रहा है हमारा Adivasi pain relief का, और 271 और 300 के बीच में ही हमारा कॉस्ट पर परचेज आ रहा है. अब आदिवासी हेयर ऑयल का तो बहुत ही खराब सीन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी ड्रॉपशिपर स्टार्ट करते हैं दे गो विद आदिवासी हेयर ऑयल, तो इसी वजह से इसका सीपीवी बहुत ज्यादा आ रहा है, दैट इज मोर देन 307. और आदिवासी हेयर ऑयल का ये वाला कैंपेन इज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल. यू कैन सी इसका जो आ रहा है वो हमारा 153 आ रहा है डे 1 के हिसाब से, दैट इज़ क्वाइट रियली डिसेंट. अगर हम इसको काफ़ी ऑप्टोमाइज करते हैं तो मुझको लगता है कि ऑप्टोमाइजेशन होने के बाद ये अंडर 70 रुपीज़ आ जाना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा नाभी ऑयल, जिसका CPP हमारा आ रहा है 239 रुपीज़ और 40. ये भी काफ़ी ज़्यादा है, बट डे 1 के हिसाब से इट्स नॉट रियली बैड. बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट कम से कम नाभी ऑयल 150 तक ड्रॉप हो. एज पर द डिलीवरी इसका जो ब्रेक इवन है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इट्स प्रेटी डिसेंट, अराउंड 300 समथिंग, तो तब भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है. सो आई वॉन्ट इट टू गेट ऑप्टोमाइज्ड. और ये ब्लैक हेयर शैम्पू तो बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहा है, सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग विद ब्लैक हेयर शैम्पू, क्योंकि कुछ भी सेल नहीं आई है. अलॉन्ग विद दिस, जो हम लोग प्रॉपर एक ग्रीन थीम और हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ चल रहे थे, जब मैंने कल रात में देखा कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ बाहर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह उनकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं. तो मैंने वैक्यूम क्लीनर के एड्स लगाए थे, और मेरा एक जो फ्रेंड है उसने काफ़ी वैक्यूम किया हुआ है, ही वॉज टेलिंग मी कि वैक्यूम की डिलीवरी काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मैंने वैक्यूम के भी एड्स लगा दिए थे, और उसने बोला था इसका बजट थोड़ा ज़्यादा रखना. सो ही सजेस्टेड मी नॉट टू इंक्रीज द एड कॉस्ट ऑफ वैक्यूम मोर देन 5000, नॉट लेस देन 3500. सो समहाउ आई हैव केप्ट द बजट अराउंड 4500, एंड इसका जो कॉस्ट पर परचेज आया है इट्स प्रेटी डिसेंट, 189 रुपीज़ है. अगर ये 100 रुपीज़ के अंदर जाता है तो इट कैन बी रियली प्रॉफिटेबल. सो आई थिंक अभी जो करंट जो रिजल्ट्स हैं उनको देखते हुए हम लोग टेस्टिंग में ऑलरेडी 7000 के ऊपर हम लोग ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं. सो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं व्हाइल यू आर स्केलिंग. द फर्स्ट वन इज़ सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट. सो सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितना कम सेलिंग प्राइस होगा आपका उतने ही ज़्यादा ऑर्डर्स बिकेंगे. तो इसी वजह से जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, अगर मान लो आप 700 पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और वो 500 रुपीज़ पे सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट पर परचेज ज़्यादा आएगा उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एज कम्पेयर टू देम. तो इसीलिए आपको प्राइस इतना डिसेंट रखना है कि आपके सेल्स भी अच्छे आएँ
और ऐसा भी नहीं रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने महंगा प्राइस रख दिया है और आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सस्ते में सेल कर रहे हैं और आप अच्छे से स्केल ही नहीं कर पाओ। तो आपको एक जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, और एक उन्हीं के आसपास आपको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कॉस्ट पर परचेज बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। सो हेयर कम्स द सेकेंड थिंग, दैट इज इतना एड बजट लगाना है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट को आप स्केल कर सकते हो और अगर आप उसमें 10-20 हज़ार रुपये लगा दोगे तो आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत सारी सेल्स आएंगी और आपको प्रॉफिटेबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं। कभी कभार क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, जैसे कि इसकी डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, इट्स मोर देन 50%, 52%, तो अगर मैं इसको स्केल करना चाहूँ और मैं सोचूँ कि चलो इसी प्रोडक्ट को मैं पर्टिकुलरली स्केल करती हूँ और इसका बजट मैं लगा देती हूँ 10,000, तो इट्स नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ ऑलरेडी टेस्टेड दिस प्रोडक्ट एंड उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही टोल्ड मी कि अगर हम इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा स्केल करते हैं मोर देन पुटिंग ऑन द बजट ऑफ मोर देन 5,000, तो ये लॉसेज में जाने लगता है। सो इसी वजह से कुछ प्रोडक्ट्स का आप कुछ लिमिट तक ही स्केल कर सकते हो, कुछ बजट तक पर डे बेसिस पे। तो ये चीज़ आपको टेस्टिंग करने के टाइम पे ही देख लेनी है। अब जैसे हमारा जो नाभी ऑयल है जो हमने टेस्ट किया हुआ है, इसको अभी हम 4,000 रुपीज़ स्पेंड करके देखते हैं कि कितना ऑप्टोमाइज होता है, क्योंकि इसकी डिलीवरी काफ़ी अच्छी है। सो लेट्स सी, क्योंकि नाभी ऑयल को और भी कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं एंड आई हैव सीन देम, काफ़ी सारे मेटा एड लाइब्रेरी पे एड्स ऑलरेडी इसके चल रहे हैं, तो देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, और प्लस पॉइंट वो लोग इसको बहुत ज़्यादा सस्ते में सेल कर रहे हैं, आई थिंक 399 और 299। सो इसका जो डिसेंट सेलिंग प्राइस जो हमारे हिसाब से जो हमने रखा है दैट इज़ 4,999, ये डिसेंट प्राइस है। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा कम करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में जाएंगे। का जो कॉस्ट पर परचेज है वो इस वजह से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हम बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से थोड़ा सा डिसेंट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, इसी वजह से डे वन के हिसाब से इसकी CPA जो है वो ज़्यादा आ रही है। और रही बात आदिवासी हेयर ऑयल की, कुछ बजट तक हम टेस्ट कर सकते हैं, बट आदिवासी हेयर ऑयल का जो ब्रेक इवन है वो ऑलरेडी 70-80 रुपीज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और आदिवासी हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो अभी तक कोसो क्लाउड पे, दैट इज़ आदिवासी हेयर ऑयल। हर ड्रॉप शिपर आदिवासी से ही स्टार्ट करता है, तो इट्स क्वाइट रियली हार्ड फॉर यू टू स्केल आदिवासी प्रॉफिटेबली। सो तभी मैं आदिवासी हेयर ऑयल नहीं करूँगी, बट आई कंटिन्यू डूइंग आदिवासी पेन रिलीफ ऑयल बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट और इसकी डिलीवरी काफ़ी थोड़ी बहुत डिसेंट है। अभी जो करंट डिलीवरी इसकी एक्सपेक्टेड है वो 40-45% है, लेट्स सी कि हाउ इट गोस। तो अभी जितने मैंने अभी आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद वैक्यूम क्लीनर, नाभी ऑयल, आदिवासी पेन रिलीफ ऑयल, सो दीज आर माई टॉप 3 प्रोडक्ट्स। लेट्स सी कि हम आगे और क्या करते हैं। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू इंक्रीज द बजट। तो बजट बढ़ाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यू कैन सी अभी जो हमारी अभी जितनी सेल्स आई हैं अभी तक, लेट्स रीलोड दिस। तो कल से आज तक में जितना हमने बजट टेस्टिंग में लगाया है, वी हैव गॉट प्रिटी गुड सेल्स, लाइक 25 ऑर्डर्स हमारे आ चुके हैं। ओके, वैक्यूम का हमारा ये मेरे ही स्टोर है, मैं स्टोर दिखा देती हूँ आपको। तो ये स्टोर है हमारी और ये प्रोडक्ट्स हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स पे आगे जाएंगे और जितना भी एड कैंपेन्स चल रहा है चलने देंगे, ताकि पूरे दिन में ये और ऑप्टिमाइज हो जाए। और आज रात, दैट इज डे 4, आज हम अपना बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, मे बी 4,000-5,000 के बीच में रखेंगे फॉर नाभी ऑयल, वैक्यूम क्लीनर एंड फॉर आदिवासी पेन रिलीफ ऑयल। सो लेट्स सी कि क्या कॉस्ट पर परचेज आता है इसका नेक्स्ट डे पे, इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस टुनाइट अप टू 4,000-5,000, and let's see how much conversion we are going to get.